अचानक ही उनकी जो आभा मंडल और दृष्टि जो है वो पूरी तरीके से बदल गई। उनकी आंखों में एक चमक सी आ गई और कुछ ही मिनटों के बाद फिर वापस से वो नॉर्मल हो गया। और जब ऐसा हुआ इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी केदारनाथ आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और योगानंद बड़े ही आश्चर्यचकित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। अ सेंट विथ टू बॉडीज, मतलब एक ऐसे संत जिनकी दो शरीर हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी चैप्टर 3 की। पिछले चैप्टर में हमने बात की थी योगानंद के माता के बारे में, कैसी उनकी मृत्यु हुई, उन्हें वो ताबीज़ कैसे मिली और कैसे वो ताबीज़ फिर बाद में गायब हो गई। और इस चैप्टर में हम बात करेंगे एक ऐसे संत की जिनके दो शरीर हैं और उन संत का नाम है स्वामी प्रणवानंद। तो बात तब की है जब योगानंद बनारस जाना चाहते थे और तभी उन्होंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे बनारस जाना है अपने दोस्तों के साथ घूमने। क्योंकि उनके पिताजी रेलवे में एक बड़े पद पे कार्यरत थे तो उन्हें रेलवे के पासेज मिला करते थे और इसलिए उन्हें घूमने में कोई तकलीफ नहीं होती थी, ट्रेन में ट्रैवल करके घूमने में। उनके पिताजी ने उन्हें अनुमति दे दी और फिर कहा कि उनके एक दोस्त हैं केदारनाथ जो कि बनारस में रहते हैं और उन्हें एक बिज़नेस लेटर या बिज़नेस प्रपोज़ल उन्हें पहुंचाना था और वो लेटर योगानंद के हाथ में उनके पिता उन्हें दे देते हैं और कहते हैं कि आप जाके इस लेटर को स्वामी प्रणवानंद के माध्यम से केदारनाथ तक पहुंचा देना। क्योंकि केदारनाथ का जो डायरेक्ट एड्रेस है वो उनके पिता को पता नहीं था, लेकिन स्वामी प्रणवानंद का एड्रेस उन्हें पता था और प्रणवानंद उन दोनों के कॉमन फ्रेंड थे, इसलिए उन्होंने बोला कि आप इन्हें जाके ये लेटर दे देना। जब योगानंदा वहाँ पे पहुँचे स्वामी प्रणवानंदा के पास, उन्होंने देखा कि एक हट्टा कट्टा आदमी है जिसके बाल पूरे शेव किए हुए हैं और दाढ़ी भी शेव किए हुए हैं और वो पद्मासन में बैठे हुए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं। योगानंद के पिता ने उन्हें कहा था, दो लेटर दिया था, दूसरे लेटर में उनका परिचय लिखा हुआ था कि वो कौन है और कहाँ से आए हैं। इससे पहले कि योगानंद अपने परिचय वाला लेटर स्वामी प्रणवानंदा को देते, स्वामी प्रणवानंदा ने पहले ही उन्हें पूछ लिया कि क्या आप भगवती के बेटे हो। भगवती योगानंद के पिताजी का नाम था। योगानंद बड़े ही आश्चर्यचकित हुए क्योंकि उन्होंने अभी तक उन्हें कोई लेटर दिया नहीं था अपने परिचय का और उससे पहले ही उन्होंने ये अनुमान लगा लिया कि वो भगवती के बेटे हैं। और फिर केवल ये नहीं, स्वामी प्रणवानंदा ने उनसे ये भी कहा कि तो तुम्हें केदारनाथ को एक लेटर देना है। और ये बात भी योगानंद ने उन्हें बताने से पहले ही स्वामी प्रणवानंदा ने ये बता दिया। अचानक ही उनकी जो आभा मंडल और दृष्टि जो है वो पूरी तरीके से बदल गई। वो उनके आँखों में एक चमक सी आ गई और कुछ ही मिनटों के बाद फिर वापस से वो नॉर्मल हो गया। और जब ऐसा हुआ इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी केदारनाथ आधे घंटे में यहाँ पे पहुँच जाएंगे। और योगानंद बड़े ही आश्चर्यचकित थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। योगानंद को कोई अनुमान नहीं था इस बात का कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आखिर स्वामी प्रणवानंद क्या कर रहे हैं, ये किस तरीके की मिस्टीरियस चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। और वो बड़े ही आश्चर्यचकित थे और इसके साथ ही वो घड़ी पे नज़र रखे हुए थे कब 30 मिनट पूरे होंगे। और जैसे ही 30 मिनट पूरे हुए स्वामी प्रणवानंदा ने कहा कि अभी गेट पे केदारनाथ आने वाले हैं, आप जाके उन्हें रिसीव कर लो। और जैसे ही वो नीचे गए उन्होंने देखा कि सच में केदारनाथ वहाँ पे खड़े थे। इन सारे घटनाक्रम को देखते हुए योगानंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो रहा है और वो आश्चर्यचकित भी थे। तभी केदारनाथ ने उन्हें कहा कि वो बाहर थे और उन्हें स्वामी प्रणवानंदा मिले और मिलके उन्होंने कहा कि आप मेरे घर चले जाइए, वहाँ पे योगानंद आए हुए हैं, उन्हें आपको कुछ लेटर देना है, उनके फादर ने भेजा है। और तभी उन्होंने स्वामी प्रणवानंदा से कहा कि ठीक है, मुझे आधा घंटा लगेगा आपके यहाँ जाने में। और स्वामी प्रणवानंदा काफ़ी तेज़ चल रहे थे जब वो उनसे मिले और प्रणवानंदा ने कहा कि मुझे कुछ और काम है, मैं दूसरे जगह जा रहा हूँ, आप चले जाइए मेरे घर और योगानंद आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ये बातें जब योगानंद ने सुनी तो योगानंद उनसे पूछ रहे हैं कि आपने क्या सच में प्रणवानंदा से मुलाकात की या आपको कोई विजन आया या कोई इल्यूजन हुआ। और केदारनाथ ये सुन के थोड़े उत्तेजित हो गए और बोले कि तुम कहना क्या चाहते हो, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूँ। और फिर योगानंदा ने कहा कि
प्रणवानंदा तो आधे घंटे से मेरे साथ ही है और वो मेरे आंखों के सामने थे, वो तो कहीं गए ही नहीं, तो वो आपसे मिले कैसे? तो केदारनाथ ने कहा कि मैंने तो उनसे जो घाट है, बनारस का जो घाट है जहाँ पे स्नान किया जाता है, वहीं पे वो मुझे मिले थे और वो अपने उनकी जो खाल वो पहनते हैं वही खाल पहने हुए थे और उनका जो खड़ाऊ था, लकड़ी का जो चप्पल खड़ाऊ जिसे कहते हैं, वो खड़ाऊ पहने हुए थे वही। और जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा कि हाँ यही तो वो खड़ाऊ है जो इन्होंने पहना था। और तभी योगानंद को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी प्रणवानंदा ने योगानंद से कहा कि एक सिद्ध योगी एक ही समय पे अपने शरीर को दूसरे जगह पे मैनिफेस्ट कर सकता है और ऐसा ही हुआ है, इसलिए उन्हें इतनी कन्फ्यूजन हो रही है। फिर स्वामी प्रणवानंदा ने कहा कि मेरे जो शिष्य है वो भी ऐसा कर सकते हैं, मेरे गुरु ने मुझे योगा की ये पद्धति सिखाई है, उनके गुरु भी लाहिरी महाशय ही थे जिन्होंने ये सारी विद्या उन्हें सिखाई थी योग की। फिर प्रणवानंद योगानंद से बात करने लगे और योगानंद उन्हें बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। हालांकि योगानंद को पता था कि स्वामी प्रणवानंद उनके गुरु नहीं हैं और उनके गुरु तो कोई और बनने वाले हैं, श्री युक्तेश्वर गिरि उनके गुरु बनने वाले थे, इसलिए प्रणवानंद के प्रति उनका कोई झुकाव वहाँ पे दिखा नहीं। लेकिन वो बड़े ही क्यूरियस थे और जानना चाहते थे उनके गुरु के बारे में जो कि लाहिरी महाशय थे। तो स्वामी प्रणवानंदा ने बताया कि कैसे वो स्ट्रगल कर रहे थे अपने स्पिरिचुअल जर्नी में जब वो रेलवेज में काम करते थे। रेलवे में काम करने के टाइम पे उनका जो डे जॉब था वो करते करते उन्हें मेडिटेशन का उतना ज़्यादा समय नहीं मिलता था जितना वो करना चाहते थे। तो वो मेडिटेशन रात में किया करते थे, करीब 7-8 घंटे मेडिटेशन किया करते थे और एक ऐसे स्टेज पे जाके वो अटके हुए थे जहाँ पे उन्हें उस डिवाइन का साक्षात्कार होने ही वाला था लेकिन हो नहीं पा रहा था और उन्हें लगता था कि उन्हें और समय चाहिए साधना के लिए। और तभी वो अपने गुरु के पास गए, लाहिरी महाशय के पास। लाहिरी महाशय ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम जाओ अपना ध्यान करो और सब हो जाएगा। वो अपनी नौकरी छोड़ना चाहते थे क्योंकि वो पूरा ध्यान भगवान के भक्ति में, साधना में लगाना चाहते थे। और तभी जब उन्होंने अपनी पेंशन के लिए रेजिग्नेशन दिया तो उनका रेजिग्नेशन सरप्राइजिंगली एक्सेप्ट हो गया क्योंकि लाहिरी महाशय ही योगानंद के पिता के भी गुरु थे। योगानंद के पिता ने भी उन्हें एक्सेप्टेंस दे दिया उनके रेजिग्नेशन के लिए और उन्हें पेंशन दे दिया और फिर उन्हें जॉब पर जाना नहीं पड़ता था क्योंकि उन्हें अब रेलवे की तरफ से पेंशन मिलता था। वो अपना पूरा समय भगवान के ध्यान में और साधना में लगा सकते थे। और फिर वो कहते थे कि उन्हें सिर्फ एक पेंशन नहीं मिली है, उन्हें दो पेंशन मिली है। एक पेंशन तो रेलवे कंपनी की तरफ से मिली है और दूसरी पेंशन जो है वो भगवान की तरफ से मिली है, भगवान के दर्शन की। क्योंकि लाहिरी महाशय ने जब उन्हें आशीर्वाद दे के भेजा तो उसके बाद ही जब वो साधना में बैठे थे तो उन्हें भगवान के, या फिर आप कह सकते हो उस डिवाइन के साक्षात्कार हुए और वो परम ब्रह्म को जान पाए। तो ये स्वामी प्रणवानंदा की एक स्टोरी है जो एक ही टाइम पे दो जगह पे प्रकट हो सकते थे। इन सारी घटनाओं के बाद योगानंद ने केदारनाथ को वो लेटर दे दी जो उनके पिता ने भेजा था उन्हें, बिजनेस प्रपोजल। और उस बिजनेस प्रपोजल में उन्होंने एक पोजिशन ऑफर की थी कोलकाता में, रेलवे में एक पोजीशन ऑफर की थी और वो चाहते थे कि केदारनाथ आके वहाँ पे कोलकाता में काम करे। लेकिन केदारनाथ ने कहा कि वो एक ही समय पे दो जगहों पे उपस्थित नहीं हो सकते, इसलिए वो कोलकाता नहीं जा सकते। तो ये एक ह्यूमरस स्टेटमेंट उन्होंने दिया और उन्होंने उस प्रपोजल को शायद डिनाई कर दिया और फिर योगानंद अपने घर चले गए वापस। तो ये थी स्वामी प्रणवानंदा की कहानी और इस कहानी से हमें ये समझ में आता है कि एक योगी के लिए क्या ज़्यादा ज़रूरी है। एक योगी के लिए वो सारी सिद्धियाँ ज़रूरी नहीं है जो उसे मिलती हैं उस परम ब्रह्म को जानने के बाद या उससे पहले, जो भी सिद्धियाँ उसे मिलती हैं वो उन सिद्धियों के लिए ये सारी चीज़ें करता ही नहीं है। उसे तो बस हर समय ध्यान में रहना है, उसे हर समय उस समाधि के स्थिति में रहना है जिसमें उसे सबसे ज़्यादा आनंद आता है। और यही प्रणवानंदा भी चाहते थे, वो चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा समय वो उस ब्लिसफुल स्थिति में बिताएं जो कि मेडिटेशन में उन्हें फील होती थी, जो भगवान के साथ यूनियन में उन्हें फील होती थी। और यही टेक अवे है इस स्टोरी का।